अनेक प्रकार के अत्याचारों को फैलते देखकर धार्मिक जगत में एक प्रकार की हलचल सी हो रही है। इस प्रकार पापों का प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठता है, भगवान अवतार कब लेते हैं? वर्तमान में इतने अत्याचारों के होते हुए भी भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्या गीता में हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है? तो जवाब है, गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक है। अभी अवतार लेने का समय नहीं आया है, नहीं तो भगवान अवश्य अवतार ले लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अव्युस्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनम अर्थाय संभवयामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जब पूर्व काल में भगवान ने अवतार लिया उस समय की परिस्थिति का आप जरा सा विचार करें तो पता लगता है कि उस समय भीषण समय था। सत्ययुग में हिरण्यकश्यप राज्य में ऐसी राज्याज्ञा थी कि जो धर्म आचरण और हरि की भक्ति करे उसे फांसी दे दो, हरि का नाम भी कोई ना ले। इस प्रकार की राजाज्ञा राजा के सपुत्र प्रहलाद ने ना मानी तो उसे भी घोर दंड दिया गया। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गोद में बैठा कर पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा है, जरा मुझे सुना। प्रहलाद ने पिता से कहा, मैंने जो पढ़ा वह सुनिए, भगवान विष्णु नाम के और गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के विग्रह का पूजन करना और उनको नमस्कार करना, दास भाव से आज्ञा का पालन करना, सखा भाव से प्रेम करना और सर्व स्व सहित अपने आप को समर्पण करना। ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप चौंक पड़ा और उसने पूछा, यह बात तुझे किसने सिखाई? मेरे राज्य में मेरे परम शत्रु विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर मेरे हाथ से कौन मृत्यु मुख में जाना चाहता है? प्रहलाद बोला, हे पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्माओं को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? पिताजी, वे विष्णु भगवान केवल मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। ऐसी बात सुनकर तो राक्षसराज का क्रोध अत्यंत भड़क गया और वह प्रहलाद को भयानक त्रास देने आया। हरिनाम लेने वाले प्रहलाद को विष पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, सर्पों से डसाया गया, आग में जलाया गया, इत्यादि अनेक प्रकार से राक्षसों ने जबरदस्ती जोर जुल्म ढाए, किंतु उसका कुछ भी अनिष्ट ना कर सके। चाखो राखे साइया मारी सके ना कोई, बार न बाका करी सके जो जग वैरी होए, कहा करे बैरी परवल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गजवल घटो घटियो न 10 गज चीर। प्रबल शत्रु सामने हो तो भी सारे संसार का वार खाली चला जाता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त पर अत्यंत अत्याचार होने पर अंत में खंभे में से प्रहलाद के प्यारे परम प्रभु को प्रकट होना पड़ा। यद्यपि उस समय लोग तो धर्म का पालन करना चाहते थे, परंतु धर्म कार्यों में अनेक प्रकार से वालात बाधाएं डाली जाती थी। वर्तमान समय में लोग स्वतः ही धर्म का त्याग कर रहे हैं, यदि कोई धर्म पालन करे तो उसमें जबरन बाधा नहीं दी जाती। त्रेता में देखिए सुबाहु और मारीच यगों को ध्वंस कर देते थे, मुनियों को खा जाते थे, इतना ही नहीं घोर अत्याचार करने लगते थे। आजकल जहां तहां पशुओं की हड्डियों के ढेर देखे जाते हैं, परंतु रामायण को देखने से मालूम होता है कि उस समय तो फल मूलाहारी तपस्वी ऋषि मुनियों के मांस मज्जों को राक्षसों ने भक्षण करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। तब उस समय मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। वैसा घोर समय अब नहीं है, जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। सत्य न्याय आदि सर्व धर्म के ही नाम है, धर्म परमेश्वर का स्वरूप है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम रूप है, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूं। लोक की स्थिति धर्म की भित्ति पर ही ठहरी हुई है। धर्मेन धार्यते पृथ्वी, धर्मेन तपते रवि, धर्मेन वाति वायुश्च, सर्वम धर्मे प्रतिष्ठित। धर्म से ही पृथ्वी ठहरी हुई है, धर्म से ही सूर्य तप रहा है, धर्म से ही वायु चल रहा है, सारा संसार धर्म से ही प्रतिष्ठित है और सबका आधार धर्म ही।